दोस्तों आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बॉडी ऑफ पेनिस, पेनिस के बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों पेनिस का जो बॉडी बना होता है, यहाँ पे जो बात करें इसमें क्या होता है, थ्री लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल मास होता है इरेक्टाइल टिश्यू का, तीन लॉन्गिट्यूडनल मास इरेक्टाइल टिश्यू का प्रेजेंट होता है। देख और यहाँ पे जो बात करूं इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड की बात करें तो कॉर्पस कैवर्नोसा होता है और जो निचला हिस्सा में होता है कॉर्पस एस्पोंजियोसम। अगर पेनिस के सेक्शन को काट दिया जाए तो ये कॉर्पस कैवर्नोसम, ये भी कॉर्पस कैवर्नोसम और ये नीचे हिस्सा एस्पोंजियोसम और यही जो एस्पोंजियोसम है कॉर्पस एस्पोंजियोसम, इसी से यूरिथ्रल ओपनिंग होता है। बोले तो यूरिन इसी कॉर्पस एस्पोंजियोसम से क्या होता है, बाहर आता है। बच्चा इरेक्शन ऑफ पेनिस जो होता है नहीं पूरी तरह से वैस्कुलर फेनोमेनन है और ये पूरा का पूरा कंट्रोल होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे पेनिस में ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा उसका क्या होगा, पेनिस का इरेक्शन हो जाएगा। नहीं बच्चों यहाँ पे जो फिलिंग होता है स्पंजी टिश्यू जो पेनिस का कॉर्पस कैवर्नोसम इस सब की जो बात करते हैं, जो स्पंजी टिश्यू है उसमें जो ब्लड भरता है तो उसको हम लोग स्पेशली बोल देते हैं वैसोकंजेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वैसोकंजेशन। अगर सेक्शन काटा जाए पेनिस का, अगर सेक्शन काट के देखा जाए, नहीं मैं आपको फिगर दिखाता हूं, सेक्शन काट के जो देखा जाए पेनिस का तो उसमें जो बीच में दिख रहा है दो कॉर्पस कैवर्नोसम दिखेगा और दोनों के बीचों बीच एक डीप आर्टरी ऑफ पेनिस मौजूद होता है। वो जो कॉर्पस कैवर्नोसम है और नीचे में निचला हिस्सा में क्या दिखता है, कॉर्पस एस्पोंजियोसम जहां पे यूरिथ्रल ओपनिंग होता है, यूरिथ्रा वही है जहां से मेल का कॉमन ओपनिंग होता है, बोले तो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग भी आप बोल सकते हो और यूरिनरी ट्रैक का ओपनिंग यूरिथ्रा। बच्चों कॉर्पस कैवर्नोसम हो या यूरिथ्रा दोनों के ऊपर ट्यूनिका एल्विजिनिया का कवरिंग होता है, ट्यूनिका एल्विजिनिया का कवरिंग होता है। जो कॉर्पस कैवर्नोसम है अगर उससे ऊपर के हिस्से में आप देखोगे तो उसमें डीप डॉर्सल वेन और डीप डॉर्सल आर्टरी आपको दिखेगा, डीप डॉर्सल वेन और डीप डॉर्सल आर्टरी और सबसे ऊपर अगर देखोगे तो सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस। एक्शन ऑफ पेनिस जरूरी है डिलीवरी ऑफ स्पर्म के लिए, फीमेल के वजाइना में अगर स्पर्म को डिलीवर करना है तो पेनिस का इरेक्ट होना जरूरी है और पेनिस का इरेक्ट होने के लिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होना जरूरी है। जैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो पेनिस का आर्टरी ओपन और वेन क्या हो जाता है, क्लोज। आपको पता होगा कि कोई भी ऑर्गेन में ब्लड ले जाने का काम आर्टरी करता है और ब्लड लाने का काम वेन करता है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इरेक्शन करवाना है पेनिस का तो आपको क्या करना होगा, आर्टरी ओपन और वेन क्लोज। जैसे वेन क्लोज तो ब्लड बाहर निकलेगा नहीं और उस ऑर्गेन में बोले तो पेनिस में कॉर्पस कैवर्नोसम में जैसे जैसे ब्लड जाते चला जाएगा वो धीरे धीरे इरेक्ट होता चला जाएगा और देन जब आप कपुलेट कर लिए, जब इंसेमिनेशन हो गया उस समय फिर क्या होता है, उल्टा कर दो आप वेन को ओपन और आर्टरी को क्लोज। अगर आर्टरी क्लोज है तो अब पेनिस में ब्लड जाएगा नहीं और जो वेन ओपन है तो धीरे 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 ब्लड वहां से ड्रेन होता चला जाएगा, जो इरेक्ट पेनिस था वो धीरे धीरे फ्लैसिड पेनिस हो जाता है, सॉफ्ट नेचर का हो जाता है, साइज में छोटा हो जाता है। तो कंप्लीटली इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो ये तो था जस्ट पेनिस के बारे में, इरेक्शन ऑफ पेनिस। थैंक यू।